नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत हमारा जो शेयर है वो है विशाल फैब्रिक लिमिटेड। विशाल फैब्रिक लिमिटेड की बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। और प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज तारीख है 29 अक्टूबर और सुबह के 10 बज रहे हैं, लाइव मार्केट ओपन है। जिस तरह से कल निफ्टी में गिरावट हुई, उस तरह से आज फिर निफ्टी में गिरावट हुई, बट निफ्टी आज रिकवर कर रहा है। डोंट पैनिक, काफ़ी अच्छी आगे चल के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव जाएगी निफ्टी। तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी था और निफ्टी में करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट शेयरों हमारा जो टारगेट रहता है वो शेयरों के अंदर इन्वेस्ट करना है, शेयरों से अपने पैसों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो विशाल फैब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो विशाल फैब्रिक का ना क्वार्टर वाई का रिजल्ट आया था, क्वार्टर टू का रिजल्ट 27 अक्टूबर को। तो जब मैं सोचा था कि भाई कल आपको कॉल दे दूँ, बट उसमें कुछ करेक्शन चली थी, इस वजह से मैंने कॉल देना लाजमी नहीं समझा। बट मुझे लगता है कि अब इसमें जो करेक्शन होती है वो हो चुकी है। अब इस लेवल पर हम बाय करते थे, तो इसमें जो मैं टारगेट दूंगा वो सारे टारगेट आपको अचीव होंगे आने वाले 20 से 25 दिन में, ठीक है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैं इतने लंबे डेज क्यों देता हूँ। देखिए, करेक्शन होने के लिए करेक्शन होने के बाद कोई कोई शेयर एक दिन में भाग जाता है, कोई कोई 2 दिन में भाग जाता है। बट क्या होता है कि आपको पेशेंस और होल्डिंग की पावर सिखा रहा हूँ मैं, कि आप होल्ड करिए पैसे को, शेयर को होल्ड करिए, डेफिनेटली वो आपका अच्छे मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रो करेगा आपका जो कैपिटल है। तो देखिए, जो आज मैं शेयर की बात कर रहा हूँ वो विशाल फैब्रिक लिमिटेड। ये देखिए कंपनी की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो कंपनी क्या करती है, डेनिम्स बनाती है, डेनिम्स मैन्युफैक्चर करती है। डेनिम्स के अंदर आपने देख सकते हैं डेनिम्स के क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये कंपनी की पूरी वेबसाइट है, ठीक है। तो किन किन कलर वाइज डेनिम को किस तरह से बनाना है, क्योंकि देखिए डेनिम्स का यूज अब ठंड आ गई तो ठंड में डेनिम्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो विशाल फैब्रिकेशन क्या करता है, फैब्रिक बनाता है डेनिम का, ये देख सकते हैं आप। ये कंपनी की वेबसाइट है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं कंपनी का। ये देखिए कंपनी का वो है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री का आउटलुक है कंपनी का। तो ये फैक्ट्री कंपनी की, ये देखिए किस तरह से कंपनी, कितने बड़े वेंचर में कंपनी वर्किंग में। तो बस ये मोटा मोटा समझाना था विशाल फैब्रिक करता क्या है। विशाल फैब्रिक डेनिम्स के अंदर वर्किंग करता है, डेनिम्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। डेनिम्स जो हमारा यूज़ होता है कपड़ों के अंदर, वो जीन्स को बनाता है, जीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। विशाल के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे विशाल फैब्रिक के, ठीक है। तो इंडिया की कंपनी है, बेसिकली क्या है इंडिया की आप समझते हैं इसका ओवरव्यू, आज किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है क्या नहीं। ये देखिए मैंने गूगल पर ओपन कर रखा है, ये देखिए आज ये 2.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। जहां मार्केट एक तरफ गिर रही है वहां दूसरी तरफ ये शेयर बढ़ रहा है, ठीक है। कल इसमें जो बेतुकी यानी कि बेवजह से इसमें मार्केट के साथ इसमें गिरावट हो गई, कल समझा नहीं लोगों ने, बट इसके क्या होता है ना, क्वार्टर रिजल्ट आता है वो 2 दिन में पूरा क्लियर समझ आता है। तो ये देखिए कब से रनिंग में कंपनी, 1972 से रनिंग में, इंडिया में इनका हेडक्वार्टर है। अभी देखिए इनका क्या है आज का ओवरव्यू समझते हैं। ये देखिए ओपन होता है 104 रुपये पे, हाई मारता है 104.85 रुपये का, लो मारता है 100 रुपये का। 52 हाई है 146 रुपये, 50 लो है 40 रुपये। और इसने 5 दिन में हमें कितने रिटर्न दिए देख लीजिए, हमारे को 5 दिन में इन्हें ओनली 1.5% के रिटर्न दिया अभी तक इसने, और 1 महीने में इसने 10% का लॉस दिया, 10% गिरावट दिया इसने अभी तक। और 6 मंथ इन्हें 110% रिटर्न दिया, और अभी तक इसने 78% इन्हें रिटर्न दिया हमारे को। विशाल फैब्रिकेशन का बस ये मोटा मोटा ओवरव्यू था। अब इसके बारे में समझते जो रिजल्ट आया, तो उससे पहले और भी क्या चीज़ें, वो चीज़ें समझते पहले इसकी। ये देखिए मैंने इसका ना मनी कंट्रोल की साइड पे शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल रखा है। अब पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लीजिए। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है 69.75, प्रमोटर की होल्डिंग है, और 24.36 इसमें पब्लिक की है, 58.89 इसमें FIIs की है। ये इसकी होल्डिंग है ओवर मोटर व्यू। अब देखिए इसमें जो इसका रिजल्ट आया था वो समझते थोड़ा सा। विशाल फैब्रिक स्टैंड लोन September 2021 नेट सेल इतना हुआ था करोड़, अप टू ईयर वाइज में इतना अप करा इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए इसका मोटा ओवरव्यू समझते हैं सर। फाइनेंशली इसका मार्केट कैप है 664 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 12 पॉइंट है, ROC 10% है, ROE 7% है, बुक वैल्यू इसकी 44 है, काफ़ी अच्छी है, फेस वैल्यू भी सही है 5 रुपये की। अब कंपनी का देखिए आप समझते हैं, ये देखिए कंपनी की प्रॉफिट जो है ना, यानी कि जून क्वार्टर के अंदर इसका प्रॉफिट आया था 31 करोड़ का, सेल हुई थी 295 करोड़ की, वही डबल हो गई है सेल एक तरह से, यानी कि 100 करोड़ एक्स्ट्रा हुई है सेल इस बार। ये देखिए 400 करोड़ सितंबर 2021 के अंदर हुई है इसके अंदर। और ये देखिए इसमें जो इसके एक्सपेंस तो बहुत बड़े हैं,
बट इसमें प्रॉफिट फिर भी बढ़ के आया है, यानी 42 करोड़ का इसमें प्रॉफिट आया है। इनका नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का है, यानी कि ये देखिए अभी तक, यानी कि ये देखिए लास्ट लास्ट ईयर ईयर वाइज भी देखें 90% अप है। ये देखिए पिछले 2020 सितंबर के अंदर इनका प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का, वहीं ये बढ़ के आया 20 करोड़। तो ये देखिए ये बढ़ चुका है, यानी कि 90% प्रॉफिट बढ़ के आया है। EPS में भी ग्रो हुआ, EPS देखिए इसका ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे तो आप 0.38% था, वहीं बढ़ के हो गया तीन हो गया EPS। तो ये भी बढ़ के आया, ये भी 90% से ऊपर आया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब हम क्वार्टर क्वार्टर वाइज चेक करते हैं। जून क्वार्टर के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का, वही बढ़ के हुआ 20 करोड़। तो ये भी 50% अप आया रिजल्ट, और ये भी देखिए 50% अप आया, इसलिए EPS भी इनका 50% ग्रो करा है। यानी ये ईयर वाई ये 90% अप आया इसका क्वार्टर रिजल्ट, और क्वार्टर क्वार्टर वाइज चेक करेंगे तो 50% अप आया है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होता है, किसी कंपनी की सेल भी बढ़ रही है इनकी, ठीक है, तो इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। और ईयर ईयर वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अब इसका ईयर ईयर वाई का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ईयर इनका अच्छा प्रॉफिट आएगा, यानी 120 करोड़ से ऊपर इनका प्रॉफिट आएगा, वो समझने वाली बात है। तो ये इसका ओवर मोटा मोटा व्यू था क्वार्टरली रिजल्ट का। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखिए टिकट एक पे साइड पर ज़्यादा ओवरव्यू नहीं समझा रखा, ये देखिए देखिए 81% 69%। अब समझते इसका मोटा मोटी कहानी, ये देखिए मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रहा, डेली चार्ट पे क्या इंडिकेशन आ रहा है, क्या सही समय इसमें बाय करना, ये भी समझते हैं। तो हमें डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पे ये ना डबल बॉटम टॉप डबल लो बॉटम पे देखिए यहाँ पे जो है ना ये 95 का हम स्टॉप लॉस बाय करिए। देखिए ये तो कैंडल के अंदर ये करेक्शन ले रहा है इसी लेवल पे, इससे नीचे नहीं गया है, और यहाँ पे इस कैंडल पे सपोर्ट भी ले रहा है, तो हम इसमें 95 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो इसमें जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा मेरा 110 रुपये का, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा इस कैंडल पे। ये देखिए ये कैंडल पूरी ख़त्म हो गई, तो ये कैंडल 110 की कैंडल है, इस कैंडल पर सपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रखी है, और यहीं पे इसमें करेक्शन आया था। ठीक है, यहीं पे गेम चेंजिंग होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है, ये 110 की है। तो पहला टारगेट मेरा 110 का है, अगर 110 को तोड़ता दूसरा टारगेट 115 का, क्योंकि ये कैंडल भी 115 की, फिर ये 115 का तोड़ता तो 120 का, इन तीन कैंडल को सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली इसमें 120 तक के लेवल दिखेंगे आपको 20 से 25 दिन में। तो इसमें देखिए RSI में अब ट्रेंडिंग का मूव आ चुका है, MACD में क्रॉस मूविंग तैयार है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें समझने वाली होती है चार्ट के अंदर ही, और कुछ नहीं है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 105 के 95 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। पहला टारगेट आएगा 110 का, दूसरा टारगेट 115 का, तीसरा टारगेट 120 का, क्योंकि चार्ट पे ये देखिए सारा वेरियस कैंडल के साथ है, ग्राउंड फॉल है, बट यहाँ पे देखिए सपोर्ट यहाँ पे लेगा, ये डबल टॉप डबल सपोर्ट लेगा यहाँ पे, इन कैंडलों की सपोर्ट लेके ये डेफिनेटली 120 तक के लेवल दिखाया, क्योंकि इसके क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ईयर ईयर वाइज भी देखें तो भी अच्छा था, और RSI MACD पे इंडिकेशन दिखा रहा है अब ट्रेंडिंग का, तो डेफिनेटली इसमें अब ट्रेंड आएगा। इसमें जो गिरावट होनी थी, जो करेक्शन होनी थी, वो हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए ये जो करेक्शन होनी थी कल के दिन में ये हो चुकी है, क्योंकि वे बहुत ही बुलिश, क्योंकि कल निफ्टी के डाउनफॉल के साथ साथ ये कैंडल यहाँ पे बेरिस कैंडल यहाँ पे बनी थी। तो आप लोग बस तीनों टारगेट आप बाइक रही पेशेंस बने रहिए, होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़ प्लस, इस वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।